दोस्तों, इस वीडियो में हम एयू बैंक के LIT क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे, जो वैसे तो लाइफ टाइम एक फ्री क्रेडिट कार्ड है। यानी अगर आप आज इस एयू बैंक के LIT क्रेडिट कार्ड के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी फीस एयू बैंक को लाइफ टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस क्रेडिट कार्ड के टोटल 16 फीचर्स हैं, जिसमें से अगर आप किसी भी फीचर को अवेल करना चाहते हो तो उस फीचर के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। यानी एक तरह से ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका प्रोसेस है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हैं। यानी अगर आप खुद वेबसाइट पर जाके इसे समझोगे ना, तो सारा का सारा सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये PPT बनाई है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। और इस PPT पे मैंने एक बार मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं। ये जो सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मैंने खुद अपने AU बैंक की जो LIT क्रेडिट कार्ड है, यहां पे AU बैंक की ऐप पर विजिट करके ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, ताकि आपको जो है एक तरह से आसानी के साथ इसके क्या फीचर्स हैं ये सब कुछ मैं आराम से समझा सकूं। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को देखो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहां पे एकदम बेसिक फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो AU बैंक का LIT क्रेडिट कार्ड है, ये बोलते हैं कि आप अगर इसके लिए अप्लाई करते हो ना, तो ये आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। ठीक है जी, लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। लेकिन लाइफ टाइम फ्री तो मिलेगा, लेकिन मुझे फीचर्स क्या देगा? तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि आप 100 रुपए का खर्चा करो, 100 रुपए का खर्चा करने पर ये आपको 0.25% का कैशबैक देगा। ये तो बेसिक है, क्योंकि आप कोई भी लाइफ टाइम फीस पे नहीं कर रहे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो आपको ये है 100 रुपए का कहीं मर्जी खर्चा करो, आपको 0.25% का ये कैशबैक देगा। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि AU बैंक के ऑफर चल रहे होते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो वहां पे कई बार लिखा होता है कि अगर आपके पास AU बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% 10% कैशबैक मिलेगा। बाकी बेसिक फीचर यही है कि सिर्फ आपको 0.25% का कैशबैक मिलेगा 100 रुपए का खर्चा करने पर। और ये 0.25% का भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा अगर आप कैश विड्रॉल करते हो अपने ATM से, या फिर अपने कोई भी प्रोडक्ट की EMI बनवा लेते हो, या फिर कोई भी फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको ये 0.25% का कैशबैक भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप 100 रुपए खर्च करो और 0.25% का आपको कैशबैक मिलता चला जाएगा। ये तो हो गया जी इसका बेसिक फीचर। अब आगे बढ़ते हैं कि ये कस्टमाइज कैसे है? देखो यहां पे ये बोलते हैं कि ये टोटल ना 16 फीचर्स देता है आपको, टोटल 16 फीचर देता है। ठीक है, अब हर फीचर की अपनी एक फीस है। ठीक है, मान लो किसी की फीस 199 रुपए है, किसी की 299 रुपए है। अब ये काम कैसे करता है? ये बोलता है कि मान लो, चलो मैं एक-एक देखो, ये 16 फीचर्स हैं, इन 16 के 16 फीचर्स के मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक-एक करके समझना ही शुरू करते हैं। ठीक है, पहले दो फीचर क्या है? एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के। ठीक है, अब यहां पे देखो, ऊपर लिखी हुई है इसकी फीस। पहला फीचर ये बोलता है कि आप 299 रुपए पे करो। ठीक है जी, ये मैंने पूरा ऐप का ही स्क्रीनशॉट आपके आगे लेके रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐप में से ही निकाला हुआ है। देखो यहां पे ऑप्शन भी आ रहा है इसको ऐड करने का। ठीक है, तो होगा क्या, देखो बिल्कुल पहले आराम से समझो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, लाइफ टाइम फ्री आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, आपके पास AU बैंक की ऐप होगी, AU बैंक की ऐप पे आपको ये क्रेडिट कार्ड शो होने लगेगा। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। वहां पे जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, एक ऑप्शन आएगा मैनेज क्रेडिट कार्ड का। मैनेज क्रेडिट कार्ड में जाने के बाद आपको ये सारे के सारे 16 फीचर्स ये दिखाएगा। इन 16 फीचर्स में से आप किसी भी फीचर को एक्टिवेट कर सकते हो। जो भी फीचर आप एक्टिवेट करोगे वो सिर्फ 90 डेज के लिए एक्टिवेट होगा। भले 16 के 16 में से कोई भी फीचर एक्टिवेट कर लो, वो सिर्फ 90 डेज के लिए ही एक्टिवेट होगा। अब इन 16 फीचर्स में से आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा फीचर जरूरी है। मान लो आज की डेट में सपोज करो कि मेरे लिए कोई भी फीचर जरूरी है ही नहीं, मुझे कहीं पे भी खर्चा नहीं करना, तो किसी भी फीचर को एक्टिवेट ना करो, जीरो रखो, आपका तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। मान लो कल को मेरे को, सपोज करो अगले महीने मेरे को जाना है दिल्ली से बैंगलोर जाना है। ठीक है जी, और मेरी फ्रीक्वेंट कहीं ना कहीं एयरपोर्ट में मेरे को आना जाना है, तो मुझे पता है कि मेरे को एयरपोर्ट पे मैं जाऊंगा तो एयरपोर्ट लॉन्च को भी यूज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस वाले फीचर को एक्टिवेट कर लूंगा। मान लो मुझे सिर्फ एक ही बार एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस यूज करना है, तो मैं 199 वाला फीचर एक्टिवेट करूंगा। अगर मेरे को दो बार यूज करने हैं तो मैं यहां पे 299 रुपए वाला फीचर एक्टिवेट करूंगा। तो यानी आप समझो, अगर मान लो मुझे अगले महीने कपड़े खरीदने हैं, तो मैं
कपड़ों वाला फीचर एक्टिवेट करूंगा, या फिर मान लो मुझे अगले महीने या इसी महीने कल ही मान लो मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है, तो मैं वो फीचर एक्टिवेट करूंगा जहां पे मुझे कैशबैक मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। आप समझो कितना अच्छा ये क्रेडिट कार्ड है कि आपको जो चीज चाहिए, मान लो अगले महीने आपका जिस भी चीज के लिए खर्चा है, तो आप सिर्फ वही फीचर को एक्टिवेट करो। आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि ये आपको जी 5% अमेजोन पे देगा, 5% फ्लिपकार्ट पे देगा, तो आपको फीस पे करनी ही है, मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, एनुअल फीस तो आप पे ही कर रहे हो। लेकिन ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, आप सिर्फ उस फीचर को एक्टिवेट करो जो आपकी जरूरत है, अदरवाइज सारे फीचर को ऑफ करके रखो। लाइफ टाइम ये फ्री आपका क्रेडिट कार्ड है, आपको कौन सा पैसे देने इसके, तो बहुत अच्छा ये क्रेडिट कार्ड है। बाकी इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी एक एक, अब ये जो 16 फीचर्स है ना, इन 16 फीचर्स को आप समझो, क्योंकि देखो जब आप इसके लिए खुद अप्लाई भी कर लोगे ना, तब भी थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा कि फीचर्स हैं क्या। ठीक है, तो ये 16 के 16 फीचर्स भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक में आपको, देखो बेसिक जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा ना, तो वहां 100 रुपए खर्चा करने पे जो आपको 0.25% का कैशबैक मिल रहा है, वो तो आपको हर एक फीचर पे मिलेगा ही। यानी देखो, अगर मान लो आपको ये मान के चलो, अब अगले महीने आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया, आपके पास लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड आने के बाद आपको पता लगा कि अगले महीने मेरे को कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना है एयरप्लेन से, तो आपने सोचा कि चलो एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, तो 299 रुपए अगर आप खर्च करोगे, देखो यहां पे आप जैसे ही ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये वाला फीचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपके अकाउंट से 299 रुपए कट जाएंगे। फीचर में दे क्या रहा है, ये बोल रहा है कि अगले 90 दिनों तक इनके जो टोटल 52 एयरपोर्ट लॉन्च हैं पूरे इंडिया में, 52 एयरपोर्ट जो टोटल लॉन्च हैं, वो अगले 90 दिनों तक आप उसे 2 बार यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई भी फीचर जो आप एक्टिवेट करोगे वो सिर्फ अगले 90 दिनों के लिए ही वैलिड रहेगा। तो यहां पे 299 रुपए खर्च करने पर नेक्स्ट 90 डेज के लिए, यानी 3 महीनों के लिए, आप 2 बार इनके एयरपोर्ट लॉन्च को यूज कर सकते हो। लेकिन आपको लगा कि मुझे तो सिर्फ एक बार जाना है, मतलब मान लो सिर्फ आपको वन साइडेड ही जाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि फिर 199 रुपए खर्च करके अगले 90 डेज के लिए आप इनका 1 बार एयरपोर्ट लॉन्च यूज कर सकते हो। तो टोटल इनके इंडिया में 52 एयरपोर्ट ऐसे हैं, मतलब टोटल 52 लॉन्जेस हैं, ठीक है, अलग अलग एयरपोर्ट्स पर। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक पहली लिस्ट ये हो गई, इसमें 29 एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी लिस्ट ये हो गई और तीसरी लिस्ट ये हो गई। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जगह या जिस भी शहर के एयरपोर्ट को आप यूज करते हो, क्या उस शहर का एयरपोर्ट का यहां पे नाम है या नहीं। जैसे सपोज करो कि मान लो मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, ठीक है जी, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का अगर इसमें नाम ही नहीं है और मैं सबसे ज्यादा चंडीगढ़ एयरपोर्ट को ही यूज करता हूं, तो फिर मेरे लिए ये फीचर यूजलेस है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको लॉन्च की जरूरत पड़ी तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब अगला, 2 फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए, पहला तो 299 वाला 2 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, दूसरा हो गया आपका सिंगल एयरपोर्ट लॉन्च। इसके बाद अगले फीचर की अगर हम बात करें तो यहां पर यह बोलता है कि 5% एडिशनल कैशबैक आपको मिलेगा। अब एडिशनल कैशबैक क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 100 रुपए खर्च करने पर जो आपको 25 पैसे का कैशबैक मिल रहा है, सॉरी, तो ये जो 25 पैसे का आपको कैशबैक मिल रहा है, ये तो हर बार मिलता ही रहेगा, प्लस आपको 5% एडिशनल कैशबैक मिलेगा अगर आप 299 रुपए खर्च करते हो। यानी अगर आप इसे ऐड कर लेते हो तो ये 299 रुपए आप खर्च करोगे, प्लस 5% का आपको एडिशनल कैशबैक मिलेगा कहीं पे भी। अगर आप एक तरह से देखो, ये जो 5% का कैशबैक है ना, ये आपको सिर्फ रिटेल स्पेंड पे मिलेगा, तो कहीं पे भी ऑफलाइन अगर आप खर्चा करते हो, तो 100 रुपए आपने खर्च करे तो आपको 5 रुपए तो ये वाले मिल जाएंगे इस फीचर के, प्लस 25 पैसा तो आपको हर बार मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप फीचर एक्टिवेट करते हो 299 रुपए का, तो आपको ये पूरे के पूरे फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोई भी फीचर 90 डेज के लिए ही वैलिड रहता है, लेकिन इस फीचर को इसने 3 भागों में बांट दिया, पहले 30 डेज, फिर 30 डेज और फिर 30 डेज। अब ये बोलता है कि ये फीचर तो आप अवेल कर लो, 5% आपको कैशबैक भी मिलेगा किसी भी रिटेल ट्रांजेक्शन पे, लेकिन आपको हर महीने 7500 रुपए खर्च करने जरूरी है। यानी आपको हर महीने 7500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर फिर ये एक फीस इंपोज करेगा अगर आप 7500 रुपए खर्च नहीं करोगे तो। इसी के बाद अगले फीचर पे हम चलते हैं। अगला फीचर ये बोलता है कि 5x रिवॉर्ड पॉइंट ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब यहां पर समझो, ये है 5x और वो था 5%, दोनों में फर्क समझना।
5% जो हमने पीछे देखा रिटेल स्पेंड पे, उसका मतलब तो ये हो गया कि 100 रुपये खर्च करने पर आपको 5 रुपये का कैशबैक मिल गया, ठीक है जी, इसका मतलब तो हो गया 5%। लेकिन 5x का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि बेसिक फीचर इसका क्या है कि 100 रुपये खर्च करने पर आपको 0.25% का कैशबैक मिलता है, ये इसका बेसिक फीचर है। तो 5x का मतलब पता है क्या होता है, 5x का मतलब होता है इसका 5 टाइम, यानी आपको इस फीचर को, यानी अगर आप 199 रुपए में अगर इस फीचर को ऐड करते हो तो आपको 5% नहीं मिल रहा, 5x मिल रहा है। 5x का मतलब हो गया कि बेसिक फीचर का 5x, यानी अब 100 रुपए खर्च करने पर आपको 5x यानी 0.25 का 5 टाइम्स करोगे तो 1 रुपया और 25 पैसा, यानी टोटल बेसिक फीचर के 25 पैसे तो मिल ही रहे हैं प्लस 1 रुपया और 25 पैसा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी अगर आप इस फीचर को एक्टिवेट करोगे तो 100 रुपये खर्च करने पर आपको 1.5 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, यानी एक तरह से 1.5% का आपको कैशबैक मिलेगा। अब यहां पर इस फीचर पे ये बोल तो रहा है कि आपको ऑनलाइन किसी भी ट्रांजेक्शन करने पर 1.5 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो फ्यूल के लिए, रेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए या फिर कैश विड्रॉल के लिए, तो इस केस में फिर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला फीचर है कि डाइनिंग के ऊपर आपको कितना कैशबैक मिलेगा। तो यहां पर ये सिंपली बोलते हैं कि आप 299 रुपए खर्च करो, इस फीचर को ऐड करो, तो आपको पैन इंडिया कहीं पे भी आप डाइनिंग करो आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। अब ये समझना, ये बहुत जरूरी है, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बोलते हैं कि उनके जो पार्टनर, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो एक्सिस बैंक का, ठीक है, एक्सिस बैंक बोलता है कि एक्सिस बैंक के जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट्स है ना, वहां पे आप डाइनिंग करो तो आपको सीधा 20% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन एयू बैंक बोल रहा है कि जी सिर्फ 5% का कैशबैक मिलेगा। आप समझो ध्यान से, ये फीचर बहुत अच्छा है एयू बैंक का। एक्सिस बैंक बोलता तो है, मतलब एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई कोई भी हो, वो बोलते हैं कि हमारे जो पार्टनर रेस्टोरेंट है वहां से डाइनिंग करो, 20% का कैशबैक मिलेगा। अब इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो इन्होंने डोमिनोज से टाई अप कर लिया, कहने को ये कहेंगे हमारे पैन इंडिया 4000 रेस्टोरेंट्स है पार्टनर ब्रांड्स, मान लो इन्होंने डोमिनोज से टाई अप कर लिया, पूरे इंडिया में 800 डोमिनोज है मान लो, तो इनके 800 तो यही हो गए, तो यानी कुल मिला के आपके शहर में सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहां पे आप जाकर के 20% अवेल कर लो, क्या फायदा, और 2 या 3 में भी अगर आप नहीं खाना खाना पसंद करते, तो उनके जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स वाला कंसेप्ट है ना वो तो यूजलेस है। लेकिन एयू बैंक ये बोलता है किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो किसी भी रेस्टोरेंट पे, बस ये होना चाहिए कि जब आप पेमेंट कर रहे हो ना तो पेमेंट में वो रेस्टोरेंट ही होना चाहिए, पता लगे कि आपने किसी ऐसे ढाबे पे खाना खा लिया जिसके पास ना तो प्रॉपर मशीन है पैसा लेने के लिए और ना ही उसका अकाउंट एज अ रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है, तो वहां पे पैसा नहीं मिलेगा। अदरवाइज किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके आप खाना खाओ, आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। बस एक टर्म एंड कंडीशन इसकी सिंपल सी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का ही कैशबैक 30 डेज के अंदर अवेल कर सकते हो, यानी इसको भी 90 डेज के लिए वैलिड है ये, लेकिन 30-30 डेज के 3 हिस्सों में बांट दिया, तो पहले 30 दिन में ज्यादा से ज्यादा आप 1000 रुपए का ही कैशबैक अवेल कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा खाने पीने पे। खुद सोच के देखो, जब 20,000 खर्च करोगे तभी तो इसका 5% जब कैलकुलेट करोगे तो 1000 रुपए बनेगा, तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरह से आप मान लो कि 5% का आपको कैशबैक मिल रहा है। उसके बाद अगला फीचर है कि 299 रुपए आपको खर्च करने हैं, यानी इस ऑप्शन को ऐड करना है, और आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे किसी भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पे। तो यानी ये अब ध्यान से समझना, ये 10% नहीं है, 10x ही है, यानी बेसिक फीचर में 100 रुपए खर्च करने पे आपको 0.25 पैसे का कैशबैक मिल ही रहा था, अब इस फीचर को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो 100 रुपए अगर आप ऑफलाइन कहीं पे भी खर्च करते हो तो आपको 10x यानी इसका 10 टाइम्स यानी 2.5 रुपए का और कैशबैक मिलेगा, यानी 100 रुपए खर्च करने पर इस बार आपको टोटल 3 रुपए का कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस। इसके बाद इसके अगले फीचर की बात करें तो इसमें आपको 199 रुपए खर्च करने हैं, इस फीचर को ऐड कराना है और आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा कहीं से भी कपड़े खरीदने पर। अब यहां पे ये 5x नहीं है, ये 5% है, यानी बेसिक फीचर तो है ही है कि 100 रुपए खर्च करने पर आपको 25 पैसे का कैशबैक मिल ही रहा है, प्लस साथ में आपको 5% का कैशबैक मिलेगा अगर आप कहीं से भी कपड़े खरीदते हो। अब इसको भी ये फीचर टोटल 90 डेज के लिए ही वैलिड है, लेकिन इसे भी इसने 30-30 डेज के 3 हिस्सों में बाइफर्केट किया हुआ है। ये बोलता है कि पहले 30 डेज में, यानी हर 30 डेज के इंटरवल में आप ज्यादा से ज्यादा वही 1000 रुपए का कैशबैक अवेल कर सकते हो, तो 1000 रुपए बड़ी बात है क्योंकि हर 30 डेज के अंदर कौन सा आप 20,000 रुपए खर्च कर रहे हो, क्योंकि 20,000 खर्च करोगे तभी तो उसका 5% निकल के 1000 रुपए बनेगा, तो कौन सा आप हर 30 डेज के अंदर 20,000 रुपीज खर्च कर रहे हो। लेकिन अच्छा फीचर है, कहीं से भी कपड़े खरीदो, आपको एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करना है, 5% का आपको सीधा
कैशबैक मिल जाएगा। इसके बाद अगला फीचर है ग्रोसरी के ऊपर कैशबैक। यहाँ पे आपको 299 रुपए खर्च करने हैं, इस फीचर को ऐड करना है, तो बेसिक पे आपको 25 पैसे का कैशबैक मिल ही रहा है, प्लस आपको 5%, यहाँ पे भी 5x नहीं है, 5% है। तो ग्रोसरी की अगर आप कोई भी आइटम परचेज करते हो तो उस केस में आपको, यानी 100 रुपए का खर्चा करोगे तो 5 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। इस फीचर को भी इसने 3 हिस्सों में बाइफरकेट किया हुआ है, 90 डेज के लिए टोटल वैलिड है, 30, 30 और 30 डेज में, यानी पहले 30 डेज के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का ही इसमें भी आप कैशबैक अवेल कर सकते हो। इसके बाद जो अगला फीचर है ये है कलफिट के ऊपर। यहाँ पे आपको 499 रुपए खर्च करने हैं, इस ऑप्शन को ऐड करना है और आपको जो है कलफिट की मेंबरशिप मिल जाएगी। अब कलफिट यानी जहां पे आपको एक तरह से ये पूरा का पूरा एक वेबसाइट है जहां लोग ऑनलाइन एक तरह से अपनी फिटनेस के लिए, ध्यान रखने के लिए ऑनलाइन उनकी मेंबरशिप परचेज करते हैं। मेंबरशिप परचेज करने के बाद उनको एक तरह से आप कह लो कि डांस क्लासेस मिल जाती है, फिटनेस ट्रेनिंग के सेशन मिल जाते हैं, या फिर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कैसे फिटनेस करते हैं उनके कुछ सेशन मिल जाते हैं। तो एक तरह से 499 रुपए फीस पे करनी है। अगर आप ऑनलाइन कलफिट पे जाके इसी मेंबरशिप की फीस देखोगे तो वैसे वो 1149 रुपए है। तो कई लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है प्रॉपर जिम में जाने का, तो लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे ही इनकी मेंबरशिप परचेज करते हैं और घर पे ही थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। तो बहुत फेमस होगी ये वेबसाइट। वैसे इसकी जो फीस मार्केट वैल्यू है खुद कलफिट पे जाके अगर परचेज करोगे तो 1149 रुपए की है, लेकिन अगर आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेते हो AU बैंक के तो 499 रुपए में ही आपको इसकी एक तरह से मेंबरशिप फीस मिल जाएगी। लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन वही यही है कि 90 डेज के लिए फीचर वैलिड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको ये बोलता है कि टर्म एंड कंडीशन ये है कि इन 90 डेज के अंदर आपको 20,000 रुपए इधर उधर कहीं ना कहीं खर्च करने पड़ेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से। अगर आप ये 20,000 रुपए अगले 90, ये फीचर मान लो आपने अवेल कर लिया और अगर आपने 20,000 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से अगले 90 दिनों में खर्च नहीं किए कहीं पे भी, ठीक है, तो फिर आपको 200 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। अब ये जो 20,000 रुपए आप खर्च करोगे ये आप फ्यूल पे नहीं कर सकते, ना ही कैश विड्रॉल के लिए यूज कर सकते हो, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों के अलावा आपको ये 20,000 रुपए कहीं ना कहीं खर्च करने। इसके बाद जो अगला फीचर है यहां आपको 199 रुपए खर्च करने हैं, इस फीचर को ऐड करना है और आपको 2% का एडिशनल कैशबैक मिलेगा किसी भी रिटेल ट्रांजेक्शन पर। अब यहां पे ये फीचर भी वही है कि बेसिक आपको 100 रुपए खर्च करने पे 25 पैसे तो मिलेंगे ही, उसके अलावा 2x नहीं है, 2% है, यानी आपने अगर मान लो रिटेल 100 रुपए खर्च किए तो 25 पैसा तो मिल ही रहा है, प्लस 2 रुपए और मिलेंगे, यानी 2 रुपए 25 पैसे का कैशबैक मिलेगा, यानी 2.25% का फिर आपका टोटल कैशबैक हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन क्या है, वही कि फीचर 90 डेज के लिए वैलिड है, 30-30 डेज के 3 हिस्सों में ये बाइफरकेट किया हुआ है। ये बोलता है कि हर 30 डेज के अंदर आपको फिर 10,000 रुपए कहीं ना कहीं इधर उधर खर्च करने ही पड़ेंगे, यानी ये जरूरी है आपके लिए कि 10,000 तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, कहीं पे मर्जी खर्च करो। होता क्या है ना, ये AU बैंक बोलता है कि फीचर आप एक्टिवेट कर लो, नीचे जो टर्म एंड कंडीशन है उसे फुलफिल करना जरूरी है, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं छोटी मोटी पेनल्टी फिर आपके ऊपर ये इंपोज कर देगा, ठीक है। अब यहां पे एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि 30 डेज के अंदर मान लो आपने इसको अवेल कर लिया तो ये बोलते हैं कि हर 30 डेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 1000 रुपए का कैशबैक अवेल कर सकते हो, 1000 का ज्यादा से ज्यादा। अब ये कम नहीं है क्योंकि देखो 50,000 रुपए जब आप 30 डेज में खर्च करोगे तो उसका 2% निकलेगा 1000 रुपए, तो कम नहीं है कहीं से भी, 50,000 रुपए रिटेल खर्च करना 30 डेज के अंदर एक बड़ी अमाउंट है, तो कहीं से भी कम आप इसे नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको Amazon प्राइम मेंबरशिप मिलती है 3 मंथ्स के लिए, यानी वही चीज है कि हर एक फीचर 90 डेज के लिए वैलिड है, ये आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। देखो वही चीज है ना, कितना सही क्रेडिट कार्ड है, मान लो आपको अब लग रहा है कि Amazon प्राइम मेंबरशिप की आपको जरूरत है तो अब आप 199 रुपए पे करो और Amazon प्राइम मेंबरशिप परचेज कर लो। मान लो आपको लग रहा है कि मुझे चाहिए ही नहीं Amazon प्राइम मेंबरशिप अगले 6 महीने तक, तो इस फीचर को ऑफ रखो। एक और चीज बहुत जरूरी, एक यहां मैं स्टार्टिंग में ही मुझे बतानी चाहिए थी, यहां पे आप इस चीज समझना, मान लो आपने कोई भी फीचर अवेल किया, सपोज करो कि ये Amazon प्राइम मेंबरशिप का ही फीचर आपने अवेल किया, तो आपने अवेल कर लिया, ये जिस दिन आप अवेल करोगे ना, जिस दिन मान लो आज ही आपने अवेल कर लिया, ठीक है जी, जैसे ही आप अवेल करोगे ना, इसकी एक चीज ये है कि ये ना ऑटो रिन्यूअल ऑन कर देता है, ठीक है, कि मान लो 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा 199 रुपए डेबिट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जिस दिन भी आप फीचर को अवेल करोगे ना, फीचर अवेल होते ही
वहां पे ऑप्शन दिखाते हैं ऑटो रिन्यूअल ऑफ करने का, ठीक है। आपको वही ऐप पे जाना है, क्रेडिट कार्ड में जाना है, मैनेज क्रेडिट कार्ड में जाना है, फिर इस फीचर में जाना है, वहीं पे ये शो करने लगेगा हाथों हाथ इस ऑटो रिन्यूअल फीचर को आप ऑफ कर देना, ताकि अगर मान लो 90 डेज के बाद दोबारा भी जरूरत पड़ी तो दोबारा परचेज कर लेंगे। लेकिन कई बार होता है कि मुझे जरूरत नहीं है, फिर दिमाग से भी निकल जाता है कि पैसे कटने हैं, ऑटो रिन्यूअल ऑफ करना है। इसलिए जिस दिन भी इस फीचर को परचेज करो उसी दिन ऑटो रिन्यूअल को आप ऑफ कर देना। तो यहाँ पे ये अमेजोन प्राइम की जो मेंबरशिप थी ये एक तरह से आपकी 90 डेज के लिए वैलिड थी और 199 रुपये आपको खर्च करने थे। इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे 90 डेज के अंदर अंदर कहीं ना कहीं इधर उधर, ये 10,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। अदरवाइज नहीं करोगे 10,000 रुपये इधर उधर कहीं पे भी खर्च, तो फिर आपके ऊपर छोटी मोटी कोई पेनल्टी लगेगी। वही चीज़ है कि ये 10,000 रुपये आप फ्यूल पे नहीं खर्च कर सकते और कैश विड्रॉल पे नहीं कर सकते, यानी खर्च कर सकते हो लेकिन ये काउंट नहीं होगा। मान लो आपने 5,000 रुपये फ्यूल और कैश विड्रॉल पे खर्च कर दिया तो ये काउंट नहीं होगा आपके इस माइलस्टोन में, ठीक है। तो आपको इन दोनों के अलावा ही कहीं ना कहीं और खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर, ये अगला फीचर है, ये आपको लगभग हर क्रेडिट कार्ड में मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आपको 49 रुपये खर्च करने हैं, इस फीचर को ऐड करना है और अगले 90 डेज के लिए ये फीचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये फीचर मैं आपको एक बार ऐड भी करके दिखाऊंगा, अभी एक बार पूरे फीचर देख लेते हैं। ये फीचर मैं खुद आपको प्रैक्टिकली एकदम लाइव ऐड भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे ऐड कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किसी भी फीचर को फिर कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा 90 डेज के लिए, और टर्म एंड कंडीशन क्या है कि सिर्फ आपको जो है 400 से लेकर के, देखो जब भी मान लो आपने इस फीचर को एक्टिवेट कर लिया 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, तो आपको 1% वेवर तभी मिलेगा जब आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर के जब भी आप ऑयल डलवाओगे तो आपकी ट्रांजैक्शन 400 रुपए से लेके 5,000 रुपए के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर आपने 300 का पेट्रोल डलवा लिया तो आपको कोई 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा, आपकी ट्रांजैक्शन 400 से 5,000 के बीच में ही होनी चाहिए तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, ठीक है जी। इसके बाद अगला फीचर है 5% कैशबैक ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्पेंड्स, ठीक है जी। यहाँ पे 299 रुपए की इसकी फीस है, इस फीचर को ऐड करना है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप आइटम खरीदोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अब इसको भी तीन पार्ट में बाइफरकेट किया है, 90 डेज के लिए टोटल वैलिड है, 30-30 डेज के तीन पार्ट में इसको बाइफरकेट कर दिया और इसने यहाँ पे ये कहा है कि मैक्सिमम कैशबैक जो आप अवेल कर सकते हो 30 डेज में वो कर सकते हो 1,000 रुपए का। यानी वही बात होगी कि 20,000 खर्चा करोगे तो इसका 5% निकल के आएगा 1,000 रुपए। अब आपको देखना है कि महीने में आपकी कौन सा 20,000 रुपए की परचेज है या नहीं है, तो ये इसका एक फीचर था। इसके बाद अगले फीचर को हम देखते हैं। अगला फीचर बोलता है कि 5x रिवॉर्ड पॉइंट ऑन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, तो ये 5% नहीं है, ये 5x है, ठीक है। तो बेसिक फीचर क्या था, 100 रुपए खर्च करने पे आपको मिल रहे थे 25 पैसे का कैशबैक मिल रहा था, अब इसका 5x और मिलेगा, यानी 25 पैसे का 5 गुना कर दो 1.25 रुपीस का, यानी टोटल 25 पैसा ये, 1 रुपया 25 पैसा ये, टोटल अब 100 रुपये खर्च करने पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। कहाँ मिलेगा, किसी भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करने पर। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसी भी पोज मशीन पे आप कर सकते हो, तो आपको सीधा सीधा 1.5 रुपये का कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करोगे वो किसी भी फ्यूल के लिए नहीं होनी चाहिए, कोई भी रेंट पेमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी भी कैश विड्रॉल के लिए नहीं होनी चाहिए और किसी भी इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसके बाद अगला फीचर है 10x रिवॉर्ड पॉइंट, सेम वही फीचर है, ये 299 का है। बेसिक फीचर क्या था, 25 पैसे आपको कैशबैक मिल रहे थे 100 रुपये खर्च करने पर, अब यहाँ पे 10 टाइम्स और मिल जाएगा, यानी 2.5 रुपये और मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपये इस बार आप खर्च करोगे तो टोटल आपको 3 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा किसी भी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पे। वही चीज़ है कि रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे फ्यूल रेंट इंश्योरेंस और कैश विड्रॉल पर, सेम वही है, वो 5x था, ये 10x है, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट इसका जो फीचर है वो है ट्रैवल के ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, फीस 299 रुपये है। अब ट्रैवल के ऊपर कोई भी आप मान लो पैसेंजर रेलवे बुक करते हो, बस लाइन बुक करते हो, चार्टर जो है बुक करते हो, कोई भी टूर रिलेटेड बसेस जो होती हैं, ये जो भी आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से करते हो या एयरलाइन की टिकट बुक करते हो, तो आपको 299 रुपये की फीस है और आपको सीधा सीधा जो भी उसका प्राइस होगा उसका 5% आपको कैशबैक मिल जाएगा। वही 90 डेज के लिए फीचर वैलिड है, तीन पार्ट्स में इसको बाइफरकेट किया हुआ है 30-30-30 डेज के लिए। ये बोलता है कि जो पहले 30 डेज हैं इसके अंदर आप एक तरह से ज़्यादा आप मैक्सिमम जो कैशबैक है वो 1,000 रुपये का अवेल कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1,000 रुपये का मैक्सिमम कैशबैक, यानी वही 20,000 का खर्चा करोगे तो आपको मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा
मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा 1000 रुपये का, ठीक है। तो ये सारे के सारे 16 फीचर्स थे। अब इनमें से मैं आपको एक फीचर लाइव करके दिखाता हूँ, वो फीचर हम करेंगे फ्यूल सरचार्ज वेवर का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको लाइव कैसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक तरह से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वही चीज़ करनी है, अपने एयू बैंक की ऐप पर जाना है। एयू बैंक की ऐप पर जाने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाना है, वहां से फिर आपको मैनेज क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको सारे के सारे फीचर्स दिख जाएंगे, ठीक है जी। तो वहां पे आपको फिर एक फीचर दिखाई देगा फ्यूल सरचार्ज वेवर का, ठीक है। उस फ्यूल सरचार्ज वाले फीचर पे, वेवर वाले फीचर पे जाना है और उसे आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको पेमेंट करनी है और फाइनली अब अगले 90 डेज तक ये फीचर आप एंजॉय कर सकते हो। तो इतना सिंपल ये प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ एक एक करके ये PPT बनाई ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो बिल्कुल एक बार दोबारा रिकैप भी कर लेते हैं कि बेसिक ये क्रेडिट कार्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी फीचर एक्टिवेट नहीं करते तो आपको 100 रुपये खर्च करने पर 25 पैसे का कैशबैक मिलता रहेगा। जो भी फीचर की आपको ज़रूरत है, मान लो आपको लगता है कि अगले महीने या इसी महीने मुझे यहाँ पे खर्चा होने वाला है, उस फीचर को आप एक्टिवेट कर लो। उस फीचर के लिए सिर्फ आपको फीस पे करनी है। कोई भी फीचर जो है वो 90 डेज के लिए एक्टिवेट रहेगा। 90 डेज के बाद या तो अगर आपने ऑटो रिन्यूअल ऑन किया हुआ है तो ऑटो रिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज वो फीचर दोबारा से क्लोज हो जाएगा। कभी भी फीचर को ऑन, कभी भी फीचर को ऑफ कर सकते हो। अगर सारे फीचर ऑफ हैं तो लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड है, कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको इस क्रेडिट कार्ड के एक एक फीचर को समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, और मतलब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।